ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगर आप सोलन में वाहन चलाते हैं या तो आपने उस वाहन पर स्टिकर लगाया हुआ है तो आपके लिए ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि चंडीगढ़ और शिमला के बाद अब सोलन पुलिस भी यातायात नियमों की पालना करते हुए सख्त कार्यवाही अमल में लाने जा रही है, जिसके चलते अगर वाहनों पर किसी भी तरह का स्टिकर लगा हुआ होगा या कुछ लिखा हुआ तो गाड़ी का भारी भरकम चालान कट सकता है। अगर आप सोलन में वाहन चलाते हैं और अगर आपने उस पर किसी भी तरह का स्टिकर लगाया हुआ है तो आपके लिए ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि चंडीगढ़ और शिमला के बाद अब सोलन पुलिस भी यातायात नियमों की पालना करते हुए सख्त कार्रवाई अमल में लाने जा रही है, जिसके चलते अगर वाहनों पर किसी भी तरह का स्टिकर लगा होगा या कुछ भी लिखा होगा तो उस गाड़ी का भारी भरकम चालान कट सकता है। इसलिए अगर आपकी गाड़ी पर कुछ भी लिखा है तो उसे तुरंत उतार दें, अन्यथा आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। अधिक जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार और DSP रमेश शर्मा ने बताया कि यातायात नियमों के अनुसार किसी भी गाड़ी पर कुछ भी लिखना या उस पर स्टिकर लगाना नियमों की अवहेलना है। सरकारी गाड़ी हो या निजी किसी भी गाड़ी पर अगर कुछ भी लिखा पाया गया तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अब गाड़ी पर प्रेस, पुलिस, वकील या सरकार किसी भी तरह से कुछ भी नहीं लिखा जा सकता। अगर कोई नियमों की अवहेलना करते हुए पाया जाता है तो उस वाहन का चालान काटा जाएगा। देखिए, MV एक्ट में बड़ी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप बिना RLA की अनुमति के किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन गाड़ी में नहीं कर सकते हैं। तो अगर इस तरह का कोई भी मॉडिफिकेशन गाड़ी में करता है, जिसमें कि अपने पद का नाम लिखना या किसी तरह का कोई और किसी संस्था का नाम लिखना, वो बिल्कुल इलीगल है। और इसके अलावा कोई रॉड्स लगाना, फ्लैग रॉड्स लगाना या प्रेशर हॉर्न लगाना, मल्टी टोन हॉर्न लगाना या मल्टी टोन लाइट जो आजकल चली हैं, उस तरह की कोई लाइट्स लगाना, ये पूरी तरह से अलाउड नहीं है मोटर व्हीकल एक्ट में। और इसके खिलाफ पुलिस ने एक मुहिम छेड़ी है और जो भी इस तरह का व्यक्ति लगाता हुआ पाया जाएगा उसके खिलाफ MV एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। और मेरी आम जनता से ये अपील भी है आपके माध्यम से कि इस तरह का अगर किसी व्यक्ति ने कोई चीज़ लिखी है तो उसको कृपया करके हटा दें, नहीं तो वो उनका जो है MV एक्ट के तहत चालान किया जाएगा। यदि किसी भी जो निजी वाहन आपका है, जो प्राइवेट व्हीकल है, उसके पर यदि कोई प्रेस, पुलिस, अपने विभाग का नाम, अपना सरनेम, अपने बच्चों का नाम या इस प्रकार का कोई जाति, इस प्रकार का कोई लिखा होता है, तो मेरा उनसे निवेदन है कि वो शीघ्र इसको हटाएं। और यदि किसी वाहन पर इस प्रकार का कुछ लिखा हुआ पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, उन वाहनों का चालान किया जाएगा और साथ में वो जो लिखा होगा उसको भी मिटवाया जाएगा। नियम सभी के लिए, इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑफिशियल की कोई बात ही नहीं है। हर व्यक्ति जो भारत का नागरिक है उसका ये कर्तव्य है कि वो जो भारत का कानून है उसका पालन करे। तो आमतौर पे जो कर्मचारी है वो अपने विभाग का नाम अपनी निजी गाड़ी पे लिख देते हैं, जैसे पुलिस लिखते, प्रेस वाले प्रेस लिख देते हैं, और जो प्राइवेट व्यक्ति है वो अपना नाम, अपना सरनेम, अपने बच्चों का नाम, इस प्रकार से कुछ लिख देते हैं, तो जो कि गलत है, नियम की उल्लंघना है। मोटर वाहन अधिनियम है, उसके अंतर्गत, उस कानून के अनुसार इस प्रकार का कोई भी जो वाहन मालिक है या चालक है, वाहन पर किसी प्रकार का कोई अपना नाम इत्यादि नहीं लिख सकता है। और यदि कोई लिखता है तो वो मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन है, जिसके लिए ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई कर रही है। और जहां ऐसा लिखा हुआ पाया जाएगा उन वाहनों को रोककर उनका चालान किया जाएगा, और जो वाहन चालक है या मालिक है उनसे ये अनुरोध किया जाता है कि वो जो भी उनकी गाड़ियों पे कुछ इस प्रकार का लिखा हुआ है उसको वो मिटाएं, हटाएं और वाहन अधिनियम जो कि बना हुआ है उसका पालन करें, यातायात के नियमों का पालन करें।